गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स 10th क्लास की साइंस की आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। फुल डिटेल्ड कोर्स जो मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे यूट्यूब पे, तो आप मेरी वीडियोस के साथ कंटिन्यू बने रहिए। 10th क्लास की साइंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10th क्लास की साइंस का आज ये फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी जो टर्म है उसको तो आप समझते ही हो, हिंदी में इसको बोलते हैं बिजली, ठीक है ना। ध्यान रखना लाइट नहीं बोलते हैं, लाइट नहीं बोलते हैं। हमारी डेली जो यूज़ में आने वाली लैंग्वेज है हम उसको में बोलते हैं कि लाइट आ गई या लाइट चली गई, ऐसा नहीं है जी। लाइट का हिंदी मीनिंग होता है प्रकाश, यानी कि ग्लो, ठीक है ना। लाइट का हिंदी मीनिंग प्रकाश है यानी कि ग्लो है। तो ग्लो अलग चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज़ है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वर्ड आया जो है वो कहाँ से आया, किसने इसको स्टार्ट किया। तो इलेक्ट्रिसिटी से पहले हमें बात करनी पड़ेगी चार्ज की, कि चार्ज क्या चीज़ है, चार्ज क्या चीज़ है। तो एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स फ्रैंकोइज नाम से एक साइंटिस्ट थे जो फ्रांस के थे। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि चार्जेस जो हैं उसके दो टाइप हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो बाद की बात है, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, ये किसने सबसे पहले बताया, चार्ल्स फ्रैंकोइज ने, ठीक है ना। एक बात आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जो मैं यहाँ करवाऊँगा वो फुल डिटेल्ड कराऊँगा, इसके अलावा आपको मुश्किल ही ज़रूरत पड़ेगी, बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी किसी अदर बुक्स को देखने की। अगर आप ये वीडियो कोई दो दो तीन तीन बार देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि जो चार्ज है सबसे पहले वो बताया चार्ल्स फ्रैंकोइज ने, फ्रांस के ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये बताया कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। अब वो लेटर बाद में पता चला कि एक चार्ज को हम पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरे चार्ज को हम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। आलो उसके बाद देखिए, सबसे पहले जो बताया कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है वो बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। उन्होंने ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज के नाम की भी कोई चीज़ होती है इस यूनिवर्स के अंदर, ठीक है ना। अब ये तो हमने बात की है चार्ज की। लीजिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। पहले हमने बात की थी चार्ज की, कि चार्ज को डिस्कवर किसने किया, चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हमने ये बात जरूर सुनी है कि जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि एटम के सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। शेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी अगर मैटर एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में तो 100% श्योर है कि उसमें चार्जेस जरूर होंगे, यानी कि चार्जेस के नाम पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन जरूर होंगे। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इसलिए चार्ज की जब बात हो रही है तो हमारे पास दो ही चीजों की बात होनी चाहिए, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या है। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एसआई यूनिट, एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज
कूलम, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, तो सी ओ एल ओ यू एम बी। ये कूलम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज को ये कह सकते हैं कि डिस्कवर किया था, ठीक है ना। तो उनके नाम पे ही एसआई यूनिट है और इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको हम किस से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। अब आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये चार्ज होता है वन इलेक्ट्रॉन पे। वन प्रोटॉन पे भी सेम ही चार्ज होता है, लेकिन यहां नेगेटिव की जगह क्या आ जाता है, पॉजिटिव। चार्ज की जो क्वांटिटी है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है वो सेम रहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे बस नेगेटिव हो जाता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम ई से शो करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होगा उसको हम किस से शो करते हैं, ई से। लीजिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसको समझिए पहले कि लाइक चार्जेस का मतलब होता है सेम चार्जेस, यानी कि या तो पॉजिटिव पॉजिटिव और या नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर इधर पहले नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो भी ये दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी चार्ज की ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व्ड रहता है, ये सेफ रहता है। तो सिंपल सी बात है, इट कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, या ये कह दें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं उस सिस्टम में, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ चार्जेस क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, वन प्लेस टू अदर, चार्जेस आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, थर्ड जो प्रॉपर्टीज है, चार्जेस ऑफ ए सिस्टम आर एडेड एलजेब्रिकली। समझिए इस बात को कि चार्जेस ऑफ ए सिस्टम आर एडेड एलजेब्रिकली, यानी कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी सर्किट में जितने भी चार्जेस होंगे, चाहे वो सारे पॉजिटिव चार्ज हों चाहे वो सारे नेगेटिव चार्ज हों, उनको हम ऐड करते हैं कैसे, एलजेब्रिकली, यानी कि सिंपल काउंटिंग को जिस तरीके से हम ऐड करते हैं ना उस तरीके से, यानी कि प्लस थ्री को प्लस फाइव से जैसे ऐड करोगे तो प्लस फाइव प्लस एट आएगा, या प्लस एक्स को प्लस वाई से ऐड करोगे तो एक्स प्लस वाई ही रहेगा। यानी कि सिंपल नंबर्स को हम जैसे ऐड करते हैं तो चार्जेस को भी हम वैसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इस प्रॉपर्टी पे आप स्टार लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी आता है। तो किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, यहां से सुनिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे पैकेट्स में
डिस्ट्रीब्यूट करना, छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे पैकेट्स में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है ना। यानी कि पूरे के पूरे जो सिस्टम होता है उसमें जो टोटल चार्ज होता है ना, उसमें जो टोटल चार्ज होता है वो पूरा का पूरा टोटल चार्ज जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे पैकेट्स में क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड होता है। अगर मैं ये कह दूं कि पूरे सिस्टम का चार्ज क्यू है, पूरे सिस्टम का चार्ज क्या है, क्यू, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम क्यू से ही डिनोट करते हैं, तो क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू ई। और मैंने आपको यहाँ बताया कि ई होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कोलम, ये तो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एक छोटा सा पैकेट है इलेक्ट्रॉन का, ये समझ सकते हैं, ये एक छोटा सा पैकेट है इलेक्ट्रॉन का। ऐसे मान लो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे पैकेट्स हैं, तो ये सारा मिला के क्या बनता है, एक टोटल चार्ज बनता है। इस टर्म को बोला जाता है क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब है ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं इनको मिला के टोटल चार्ज क्यू बनता है, ठीक है ना। एन का मतलब है ये कितने पैकेट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम में प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं एन। और ई क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ, सॉरी ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन जो होता है वो यानी कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, ये आप छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, फिर भी मैं, मेरा फर्ज बनता है मैं आपको बता देता हूँ कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। द सब्सटेंसेज विच लेट इलेक्ट्रिक चार्ज, द सब्सटेंसेज विच लेट इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो across them easily are called conductors। यानी कि ऐसे सब्सटांस विच लेट इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो देम ईजिली, यानी कि ऐसे सब्सटांस जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ईजिली फ्लो हो सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स बोलते हैं। जिन जिन सब्सटांसेस में से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो ईजिली हो जाता है उनको आप बोलते हैं कंडक्टर्स, और जिनमें फ्लो नहीं होता, जिनमें फ्लो नहीं हो पाता या बहुत कम फ्लो हो पाता है उसको हम बोलते हैं क्या, इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। एग्जांपल से आप समझेंगे, जैसे आयरन है या किसी भी टाइप की कोई मेटल्स है, मेनली सारी मेटल्स, ठीक है ना, आयरन है, मेटल्स है, या एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें पानी मिक्स्ड हो, जिसमें क्या मिक्स्ड हो, वाटर मिक्स्ड हो, ठीक है ना, एक्वा सॉल्यूशन। तो ये सारे क्या हैं, कंडक्टर के हैं एग्जांपल, यानी कि इनमें से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इजीली फ्लो होता है। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर में प्योर वाटर आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। एक तो होता है एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर का सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है वाटर में कोई चीज़ घुली हुई है, ठीक है ना, वाटर के अंदर कोई चीज़ हमने मिला रखी है, मिक्स कर रखी है, दैट इज़ कंडक्टर, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें प्योर वाटर की, तो ये क्या है, आपका इंसुलेटर है, क्या ये आपका इंसुलेटर, यानी कि इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक मान लीजिए, जैसे रबड़ मान लीजिए, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, इंसुलेटर के, ये सारे एग्जाम्पल हैं इंसुलेटर के। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, व्हाई कंडक्टर्स अलाउ देम टू अलाउ द चार्ज टू फ्लो, यानी कि कंडक्टर्स में से चार्ज फ्लो क्यों हो पाता है और इंसुलेटर में से चार्ज फ्लो जो है वो क्यों नहीं हो पाता है। तो रीज़न इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या रीज़न इसका देंगे, तो सिंपल सी बात यह है कि जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मूव करते हैं, यानी कि फ्लो करते हैं,
ठीक है ना, अगर उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो फ्लो करेंगे, और चार्जेस फ्लो होने की बात को ही क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जिसमें से चार्ज फ्लो होंगे उसी को क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। और इंसुलेटर जो होते हैं बच्चों, इंसुलेटर जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बट वेरी लेस होते हैं, कितने, बहुत कम, वेरी लेस इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। तो वो फ्लो हो पाते हैं लेकिन उसमें उतना इफेक्टिव करंट बन नहीं पाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इतना जल्दी, इतना फास्टली, इतना इफेक्टिवली फ्लो हो नहीं पाता है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये होते थे हमारे इंसुलेटर एंड कंडक्टर। अब अपने बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा एक एरिया, ऐसा एक एरिया जिसमें अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स को फील किया जा सके या एक्सपीरियंस किया जा सके, ठीक है ना, उस एरिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिंपल सी बात ध्यान से सुनिए कि एक ऐसा स्पेस जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है ना, या पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर सके, उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर स्पेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ भाई। देखो ये एक वायर है, क्या है, ये एक वायर, और फॉर एग्जाम्पल ये जो वायर है ये बनी हुई है कॉपर की, किसकी बनी हुई है, कॉपर की, और इस वायर के ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, यानी कि बिल्कुल नेक्ड वायर है ये, क्या है, नेक्ड वायर, यानी कि इसके ऊपर कोई प्लास्टिक या रबड़ नहीं चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको टच करेंगे तो करंट आएगा ना, बिल्कुल आएगा, अगर ये सर्किट के साथ जुड़ी हुई है तो, सर्किट के साथ जुड़ी हुई है तो ये क्या है, करंट इसमें आएगा। तो सिंपल सी बात है, इस वायर के चारों तरफ एक ऐसा एरिया यानी कि एक स्पेस बन जाता है जहां अगर हम आते हैं या हमारा हैंड आता है, हमारी स्किन आती है, तो उसमें हमारे को जो फोर्स फील होता है, करंट फील होता है, तो उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स वाले एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उस फोर्स वाले एरिया को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। जिन लोगों को मैथ्स की वीडियोस चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, इसी वीडियो के नीचे आपको मैथ्स की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पूरी की पूरी NCERT मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। और किसी भी बच्चे का कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की आपके डाउट्स हो, आपका कोई सजेशन हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स स्टूडेंट्स।